इस तरफ केबल कार यहाँ पे नीचे लैंड करती है और सीन चेक करें ज़रा आप लैंडिंग का। तो ये रही फ्रेंड्स यहाँ की बहुत ही मशहूर बिल्ली, ये सुना दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली है। और इसके पीछे है जनाब यहाँ का मशहूर कन्वेंशन सेंटर, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और राउंड शेप में है। यहाँ पे दुनिया के जितने भी ममालिक हैं सब के फ्लैग्स लगे हुए हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आज मैं मौजूद हूँ पुर्तगाल के कैपिटल लिस्बन में। इसको इंग्लिश में लिस्बन कहते हैं और पुर्तगीज़ में इसको लिस्बोआ कहते हैं। और जिस जगह पे मैं आज मौजूद हूँ वो है ओरिएंट स्टेशन। ओरिएंट स्टेशन भी आपको दिखाता हूँ और मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये यहाँ का एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल वास्को डी गामा मॉल। और इस तरफ पीछे आपको फ्लैग नज़र आ रहे होंगे काफ़ी सारे मुल्कों के। और ये जो बिल्डिंग है ये कन्वेंशन सेंटर है यहाँ का बहुत बड़ा, यहाँ तकरीबन दुनिया के सारे ममालिक के फ्लैग्स लगे हुए हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के फ्लैग भी यहाँ पे मौजूद है। और इस तरफ मेरे बैग पे आप देख सकते हैं यहाँ की बहुत ही मशहूर बिल्ली, ये भी इसकी भी मैं क्लोज लुक आपको दिखाता हूँ। तो अभी फ्रेंड्स मैं स्टेशन की दूसरी मंजिल पर खड़ा हूँ, नीचे मेट्रो है और ऊपर ट्रेन स्टेशन है। और ये सामने मेरे पुर्तगाल का वास्को डी गामा मॉल है, बहुत ही प्यारा शॉपिंग मॉल है, अभी चलेंगे इसके अंदर भी। इसके साथ ही वोडाफोन का ऑफिस है और काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं नीचे लोग काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। और चूंकि पुर्तगाल में अभी टूरिज्म का सीज़न स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और गर्मियों का सीज़न है तो दिन ब दिन रश यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो अभी चलते हैं नीचे और वहाँ से मॉल के अंदर एंटर होंगे और मॉल को देखते देखते हम दूसरी तरफ जाएंगे बीच की तरफ। वहाँ बहुत ही प्यारे सीन है, वहाँ पे केबल कार भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा है। पुर्तगाल का बिल्डिंग को तो आप देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये दो बहुत ही प्यारी बिल्डिंग्स हैं और इसके सामने जो बीच है, बीच के ऊपर वास्को डी गामा का जो ब्रिज है, यहाँ का बड़ा मशहूर वास्को डी गामा ब्रिज वो है। तो वहाँ से ये दो बिल्डिंग्स का जो नज़ारा होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, वो भी दिखाता हूँ अभी चल के आप। यहाँ से इसका बेहतरीन व्यू आ रहा है स्टेशन का, ऊपर रेलवे स्टेशन है यानी रेलवे लाइन है और नीचे मेट्रो अंडरग्राउंड। जितनी भी मुल्क में ट्रेन राइट लेफ्ट जाती हैं वो यहाँ से गुजर के जाती हैं, नॉर्दर्न एरियाज या साउथर्न एरियाज कोई भी ट्रेन है वो यहाँ से होकर गुजर जाती है। सामने वास्को डी गामा मॉल, बहुत प्यारी बिल्डिंग्स हैं माशाल्लाह, दूसरी बिल्डिंग्स भी खूबसूरत हैं और बहुत प्यारा मौसम है यहाँ पे, टेम्परेचर 22। ये मॉल की एंट्रेंस है वास्को डी गामा मॉल की, और काफ़ी बिजी मॉल लगता है, चल के अंदर देखते हैं कैसा। जी माशाल्लाह प्यारा है मॉल, तीन स्टोरीज है माल की, तीन मंजिला, थ्री फ्लोर्स। तकरीबन जितने भी चैन स्टोर ब्रांड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये वोटन स्टोर है यहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतलका हर तरह की चीज़ यहाँ पे मिलती है और बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है इनके पास, प्राइसेस में भी ये तकरीबन बाकी जितने भी स्टोर हैं उनको बीट करते हैं। नीचे ज्वेलरी की और कॉस्मेटिक्स की शॉप नज़र आ रही है। टिम्बरलैंड, सैमसोनाइट की ऑफिशियल शॉप, प्यारा मॉल। और रेस्टोरेंट्स वगैरह ऊपर हैं थर्ड फ्लोर पे।
और इसकी दूसरी तरफ पे बैक साइड पे जो एग्जिट है वो बीच की तरफ जाता है, उसकी तरफ चल के देखते हैं। तो ये दूसरी तरफ से एग्जिट है जी, यहाँ से बाहर आए नीचे आए तो सामने यहाँ की पुर्तगाल की बहुत बड़ी बिल्ली भी है, बहुत मशहूर, वो भी दिखाता हूँ आपको। केबल कार भी देखते हैं, यहाँ कन्वेंशन सेंटर है बहुत बड़ा, वो भी देखते हैं। समर सीजन शुरू होने की देर होती है यहाँ पे, दुनिया ऐसे उमड़ के आती है जैसे सब लोग यहाँ आ गए। ये सामने कन्वेंशन सेंटर है बहुत बड़ा, और इस पे यहाँ इन्होंने तकरीबन वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं उनके फ्लैग लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने फ्लैग लगे हुए हैं, तकरीबन सारे मुल्कों के फ्लैग यहाँ पे लगे हैं। पाकिस्तान का, इंडिया का फ्लैग भी नज़र आ रहा है मुझे, थोड़ा करीब से चल के आपको दिखाता हूँ। ये बांग्लादेश का फ्लैग है और ये सामने वो बिल्ली है जी जिसका मैंने अभी जिक्र किया था आपके साथ। तो ये रही फ्रेंड्स यहाँ की बहुत ही मशहूर बिल्ली, ये सुना दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली है और काफ़ी अच्छा काम किया गया है, सारा स्क्रैप मेटल से बनाया है इसको। थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाता हूँ, जितना भी प्लास्टिक का मटेरियल बहुत अच्छी तरह इसको यूटिलाइज़ किया गया और काफ़ी हाइट पे है, कम से कम 8 से 10 मीटर ऊंची होगी है। लोग यहाँ खड़े होकर इसके साथ सेल्फी भी बनाते हैं, और पीछे आपको समुंदर का नज़ारा नज़र आ रहा है, केबल कार्स वगैरह, बहुत ही प्यारी जगह। यहाँ बहुत रश होता है लोगों का, और इसके पीछे है जनाब यहाँ का मशहूर कन्वेंशन सेंटर, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और राउंड शेप में है। यहाँ पे दुनिया के जितने भी ममालिक हैं सब के फ्लैग्स लगे हुए हैं, वो सामने आपको पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आ रहा होगा, और ये सामने जनाब इंडिया का फ्लैग है, और बिल्कुल स्टार्टिंग में 7वें 8वें नंबर पे बांग्लादेश का फ्लैग। और गाइस ये जो बिल्डिंग आपको मेरे बैक पे नज़र आ रही है ये यहाँ का एक्वेरियम है, काफ़ी बड़ा एक्वेरियम है, मैं इस पर गया हुआ हूँ एक बार, लेकिन आज मुश्किल ही है इसके अंदर में जा सकता, काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़िश की स्पीसीज़ हैं, और यहाँ से इसका ज़बरदस्त नज़ारा आता है, बिल्कुल समुंदर के किनारे पे इन्होंने बनाया हुआ। और एक्वेरियम का जो स्पीसीज़ है वो सारी ओशन के पानी में ही है, इसलिए इसको समुंदर के बिल्कुल करीब समुंदर के पानी के अंदर ही बनाया गया है, ऊपर सिर्फ बिल्डिंग है, बाकी जो एक्वेरियम है उसको सारा समुंदर के पानी से कवर किया गया है। उसके बिल्कुल पीछे केबल कार है यहाँ की, ये इस एक्वेरियम से शुरू होती है और दूसरी तरफ ये एक होटल है, वो भी आपको करीब से दिखाता हूँ जाके, बिल्कुल बुर्जुल अरब की तरह का होटल है, और वहाँ तक की जाती है, आप उस पर वन वे भी सफ़र कर सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। और यहाँ पे ये बिल्ली और इसके पीछे वास्को डी गामा मॉल, और वास्को डी गामा मॉल के बैक साइड पे ओरिएंट स्टेशन। यार मैंने लिस्बन जितना भी, काफ़ी लिस्बन घूमा हूँ मैं, लिस्बन इतना छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो सबसे प्यारी जगह मुझे लगी है वो ये है जहाँ पे आज मैं आया हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये ओरिएंट स्टेशन भी है, उसके साथ ही शॉपिंग मॉल भी है, कन्वेंशन सेंटर भी है, केबल कार भी है, एक्वेरियम भी है, इसलिए ये बहुत मशहूर है, यहाँ पे विजिटर लाजमी आते हैं, और कहीं जाएँ या ना जाएँ यहाँ पर ज़रूर आते हैं। और यहाँ से बिल्कुल समुंदर के ऊपर ही सामने वास्को डी गामा ब्रिज है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा ब्रिजस, तकरीबन 17.5 किलोमीटर लॉन्ग समुंदर के ऊपर ब्रिज, जो लिस्बन के दोनों साइडों को आपस में मिलाता है, उसका भी आपको नज़ारा कराता हूँ। और बहुत प्यारी जगह है, बड़ा पुरसकून, वेदर भी यहाँ बहुत अच्छा है क्योंकि बिल्कुल बीच के ऊपर है, हल्की हल्की सी ब्रीज है यहाँ पे, तो इसलिए ये बहुत ही अहम डेस्टिनेशन है, जो लोग यहाँ लिस्बन आते हैं घूमने फिरने पुर्तगाल वो यहाँ ज़रूर आते हैं। ये बीच पर ही कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बने हुए हैं बिल्कुल केबल कार के नीचे, देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त नज़ारा है केबल कार का। और ये सामने आइसक्रीम बार है, आइसक्रीम शॉप, ये देखे ये आंटियाँ आइसक्रीम खा रही हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स वास्को डी गामा ब्रिज, जो कि इस कॉर्नर से शुरू होता है, वो होटल है सामने, और आस्ता आस्ता राइट पे जाता हुआ लिस्बन की दूसरी तरफ, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको,
शायद आपको नज़र आओ दूसरी तरफ पे जो आबादी है उसके साथ ये लिस्बन को मिलाता है। और ये बना था 1988 में, कंप्लीट हुआ था ये, और उस वक्त ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज था। लेकिन आपको पता है आप चाइनीज़ हर चीज़ में सबको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत बड़े ब्रिजेस बना लिए। तो अभी भी ये मेरा ख्याल है, अगर इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, तो अभी भी ये यूरोप के बड़े ब्रिजेस में से एक ब्रिज है। और ये केबल कार ज़बरदस्त नज़ारा बनाती है इसके साथ। तकरीबन 2 किलोमीटर का ये सफ़र है केबल कार का। तो होटल के बिल्कुल करीब में पहुंच गया। इस तरफ केबल कार यहाँ पे नीचे लैंड करती है और सीन चेक करें ज़रा लैंडिंग का। और ये होटल जनाब बना है 2012 में, इसका अफ्तिता हुआ। और बिल्कुल मुझे लगता है ये दुबई का जो बुर्जल अरब होटल है उसकी कॉपी की गई है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मुशाबत है इसकी। क्लोज लुक देखें ज़रा। और लग्जरी होटल है, वन ऑफ द बेस्ट होटल इन लिस्बन। इसके बिल्कुल बैक साइड में वास्को डी गामा ब्रिज स्टार्ट होता है। इस तरफ राइट टर्न करता करता तकरीबन 17.5 किलोमीटर के बाद ये दूसरी तरफ लिस्बन के दूसरे इलाके अलमादा के साथ टच होता है। लिस्बन की आबादी दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है, एक मेन लिस्बन जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ राइट साइड पे, और दूसरा जो समुंदर की दूसरी तरफ है अलमादा, वहाँ से दोबारा आबादी शुरू हो जाती है। और सेंटर में ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है, बेसिकली है तो ये समुंदर का पानी है, लेकिन इसको तेजो रिवर कहते हैं। ये रिवर टाइप है लेकिन बहुत बड़ा है, और आगे जाके ये समुंदर में गिरता है, बल्कि समुंदर से निकलता ये पानी अंदर को आ रहा है, तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर तक जाता है, जिसकी वजह से लिस्बन बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से ये जो होटल आपको नज़र आ रहा है या वास्को डी गामा ब्रिज, यहाँ से ले कर 40 किलोमीटर दूर तक सब बीचेस हैं और इस तरह की टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और एंड पे एक जगह है, उसका नाम है कैशकैश, और वो भी ये भी जगह किसी दिन आपको वो भी दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये लिस्बन का एक बहुत ही पुरसकून सा इलाका है, लोग यहाँ वॉक करते हैं आके, बहुत सुकून है यहाँ पे, पीसफुल सी जगह है। और चहलकदमी करते हैं, रेस्टोरेंट्स पे फूड इंजॉय करते हैं, और कुछ लोग यहाँ सिर्फ बैठते हैं आके गपशप लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ अपना व्लॉग आज का ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी, लिस्बन के इलाके आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, गुड बाय।